से लंबे लंबे स्वर से आदमी ब्लॉग बंद कर देते हैं ब्लॉग को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज अब जो है सो लंच का टाइम है और तो हम यहाँ पर स्वीट कॉर्न खा रहे हैं। आप तो पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि हम जो है सो वहाँ पर स्वीट कॉर्न तरकारी लेने के जब जो है सो स्वीट कॉर्न मिले थे अब जो है सो हम लंच में ये खा रहे हैं। और गाइस यहाँ पर देखिए ये अभी अभी बॉइल हुए हैं, गरम है। यस अब खा लो। अब यस यहाँ पर देखिए रेड चिली पाउडर भी है, सॉल्ट भी है और ये जो है सो जिंजर का जिंजर की वो है, खोपरे की बुकनी है वो। हाँ खोपरे की बुकनी, खोपरे की। यहाँ पर सलाम करो, यहाँ पर मलिक भी है। अरे सलाम करते हैं। हाय गाइस बोलो। ये सीधे हाथ से सलाम करते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम अंबाड़ी भाजी का अचार बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके इसमें मैं एक ग्लास पानी ऐड करूंगी। ये मैं धो ली हूँ, मैं धोले के एक बर्तन में डाल रही हूँ। मैं डाले के एक ग्लास पानी ऐड कर चुकी हूँ। मैं ये 15 से 20 हरी मिर्ची है इसमें ही डालेंगे हम। ओके ये थोड़ा सा नमक डालेंगे। वन स्पून नमक ऐड कर लेंगे इसमें। 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब देखिए गैस को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसको अच्छे से गलाना है। ओके गैस देखिएगा गैस अच्छे से पानी सूख गया है, भाजी भी अच्छे से गल चुकी है। अब इसको ठंडा होने देते हैं, गैस बंद कर देंगे। तो ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। ओके देखिएगा यहाँ पे मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ। मैं अब हम तड़का लगाएंगे। ओके अब हम तड़का लगाएंगे, उसके लिए चने की दाल ले ली हूँ मैं। यहाँ पे देखिएगा चने की दाल, मिर्ची है ये लाल सूखे हुई, ये जीरा है यहाँ पे, ये करी पत्ता है यहाँ पे। अब तड़का लगाएंगे हम। सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है ये। देखिएगा यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑयल ले चुकी हूँ मैं, पैन भी रख चुकी हूँ हाँ चूल्हे पे। फिर ऑयल गर्म हो रहा है, अभी थोड़ा सा होना है, उसके बाद हम ये डालेंगे तड़के के लिए। ओके बिस्मिल्लाह। यहाँ पे देखिएगा जीरा भी हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे भाजी को। ये धीमी आंच से पकाना है इसको। प्याज को स्लो कर लेंगे हम धीरे से। धनिया पाउडर थोड़ा सा, देखिएगा कितना कलरफुल लग रहा है। 1 महीना भी अपन रख के खा सकते हैं, अभी होना है ये भी। अब इस और थोड़ा साल्ट ऐड कर देंगे। ओके देखिएगा कितना प्यारा सा लुक है, 1 महीने तक रख के खा सकते हैं इसको, क्योंकि ऑयल ज़्यादा ही लगता है अचारों में नमक और ऑयल, क्योंकि कम डालते ना नमक तो ख़राब हो जाता है, इसलिए ऑयल ज़्यादा ही डालना पड़ता है नमक भी। फिर मैं डिश आउट करके आपको बताऊंगी
मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि मेरी रेसिपीज आपको समझ में आए। लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स करना प्यारे प्यारे। देखिएगा प्यारा सा लुक आएगा। देखें चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, पहले सब्सक्राइब कर देना। ओके गैस, फिर आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर हम मिलेंगे एक प्यारी सी रेसिपी के साथ, न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तब तक के अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना जो मिलादुन्नबी का यहाँ पर हैदराबाद सिटी में डेकोरेट करते हैं, वहाँ के मैं सीन्स आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए मलिक भी है, सलाम करो, सलाम सलाम। चलो गाइस हम जो सब बाहर निकलते हैं।
आ चुके हैं, चार मीनार को गए थे ऐसे ही घूमने। और ये समय ये व्लॉग को यही एंड करता हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं यहाँ पर बता दूंगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और गाइस मैं ये तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ आपको, आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।